इस सत्र का समापन करेंगे वामसेप के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वामन मेश्राम साहब, उनसे हम अनुरोध करते हैं कि इस सत्र का समापन करें। माननीय वामन मेश्राम साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष वामसेप। साथियों, पहले दिन का ये आखिरी सत्र है और आखिरी सत्र का समापन भाषण मैं यहाँ करने जा रहा हूँ। तो उसके जो बहुत सारे विषय हैं, उसमें पहला विषय है एनटी डीएनटी विजेएनटी जाति समूहों को ओबीसी के लिस्ट में डालकर अन्याय करना शासक जातियों का षड्यंत्र है, एक बहस। अर्थात एनटी डीएनटी विजेएनटी की स्वतंत्र सूची ना बनाना, उनके साथ अन्याय करना है, एक बहस। फिर उसके बाद विषय है घुमंतू जातियों का राष्ट्रीय स्तर का संगठन ना होना और सही नेतृत्व का अभाव ही घुमंती जातियों की मूल समस्या है, ये विषय है। इसके अलावा नेशनल कॉरिडोर के नाम पर आदिवासियों को एवं किसानों को जल जंगल जमीन से बेदखल कर विस्थापित करना शासक जाति का एक भयानक षड्यंत्र है, एक बहस। उसके बाद और एक विषय है भूमि अधिग्रहण बिल में सीएनटी और एसपीटी एक्ट में संशोधन करना, ये आदिवासी और किसानों को जल जंगल और जमीन से वंचित और विस्थापित करने का ब्राह्मणी षड्यंत्र है। इसके बाद जो आखिरी शब्द है आखिरी विषय है ईसाई से ज़्यादा हिंदू धर्म अर्थात ब्राह्मणी धर्म में हुआ आदिवासियों का धर्मांतर, एक गंभीर बहस। ऐसे बहुत सारे विषय यहाँ रखे गए हैं, मैं एक एक करके कुछ बातें आप लोगों को समझाना चाहूँगा, क्योंकि बातें समझाने का मामला है। एक तो आप लोगों के द्वारा शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का नाम बार बार सुना जाता है, बार बार लिखा जाता है, बार बार बोला जाता है, मगर एनटी डीएनटी और विजेएनटी जो जातियां है या उनके जातियों के समूह है उनके बारे में बहुत कम चर्चा होती है। ये एक कारण है जिसकी वजह से इन शब्दों के बारे में लोगों के पास सही किस्म की जानकारी नहीं है। तो इसलिए इसके बारे में पहली जानकारी तो ये होना जरूरी है कि ये जो एनटी डीएनटी विजेएनटी का जो जाति समूह है, ये जातियों का समूह भी मूल निवासियों में और ब्राह्मणों के बीच में जो भारत में संघर्ष हुआ, उस संघर्ष की बदौलत ही ये समूह पैदा हुए और उस संघर्ष में जब इन लोगों को षड्यंत्र के तहत परास्त किया गया तब इन लोगों को बहिष्कृत किया गया। जिस तरह से शेड्यूल कास्ट जातियां संवैधानिक रूप से उनको शेड्यूल कास्ट कहा जाता है और शेड्यूल कास्ट की जो जातियां हैं वो धार्मिक दृष्टि से अछूत जातियां हैं और ये भी ब्राह्मण धर्म के अनुसार बहिष्कृत लोग हैं, और जो नॉमेडिक ट्राइब के लोग हैं डी नोटिफाइड, डीएनटी का मतलब है
ये डी नोटिफाइड है। इसका मतलब है जिन लोगों को ईएनटी के तौर पर नॉमेडिक टाइप के तौर पर कहा गया, माना गया और आजाद भारत में उनको डी नोटिफाइड किया गया, यानी उससे मुक्त किया गया, इसीलिए महाराष्ट्र में विमुक्त जाति ये शब्द प्रयोग आता है। वो इन जातियों को अलग से अंग्रेजों के द्वारा आइडेंटिफाई किया गया था और अलग से आइडेंटिफाई करके उनकी लिस्ट बनाई गई थी, उनके लिए अलग से कानून बनाया गया था। मगर आजाद भारत में जिनको अंग्रेजों ने आइडेंटिफाई किया था उनके लिए कानून बनाया था, उनको संविधान लागू होने के बाद आइडेंटिफाइड करके उनकी लिस्ट बनाकर कानून बनाकर उनको अलग से संविधान की व्यवस्था में आरक्षण दिया जा सकता था, उनकी संख्या की गिनती की जा सकती थी, उस अनुपात में उनको अलग से आरक्षण दिया जा सकता था। और जो लोकतंत्र की व्यवस्था है उस व्यवस्था में एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में उनको शामिल किया जा सकता था, मगर ऐसा नहीं किया गया, बल्कि जो मंडल कमीशन बना उस मंडल कमीशन में जो खास तौर पर ओबीसी के लिए बनाया गया था, तो ओबीसी के लिए जो कमीशन बनाया गया था उस कमीशन के लिस्ट में इन लोगों को इंक्लूड कर दिया गया। एलआर नाइक एक मेंबर थे मंडल कमीशन के, उन्होंने इसकी लिस्ट को अलग किया था और अलग करके उन्होंने अलग से अपनी रिकमेंडेशन किया था कि इनकी संख्या की गिनती अलग की जाए और इनको अलग से आइडेंटिफाई करके इनको अलग से आरक्षण दिया जाए, मगर ऐसा नहीं किया गया। जब ऐसा नहीं किया गया और ओबीसी की ही लिस्ट में इनको शामिल कर दिया गया, तो स्वाभाविक रूप से जो समाजशास्त्र में एनटी डीएनटी विजेएनटी की जो पहचान है और जो ओबीसी की पहचान है वो अलग अलग है, दो अलग अलग पहचान है एनटी डीएनटी विजेएनटी और ओबीसी, तो इनको ओबीसी के ही लिस्ट में शामिल कर लिया गया। अगर हम देखें शेड्यूल ट्राइब के बारे में, ये जो आदिवासी लोग हैं इनको संवैधानिक भाषा में शेड्यूल ट्राइब कहा जाता है, जैसे अछूतों को शेड्यूल कास्ट कहा जाता है, वैसे आदिवासियों को संवैधानिक लैंग्वेज में शेड्यूल ट्राइब कहा जाता है। उसी तरह से अगर हम ये देखें कि शेड्यूल कास्ट जो है ये सारी की सारी 1700 जातियां है और इन 1700 जातियों की एक विशेषता ये है कि ये सारे के सारे लोग अस्पृश्यता के शिकार है, यानी समान रूप से सारे के सारे अछूत है, यानी ये कहा जा सकता है इस दृष्टि से ये होमोजेनियस सारे के सारे अछूत है। उसी तरह से जो आदिवासी है ये आदिवासियों के अंदर जो ट्राइबल ट्रेड्स है उसके आधार पर 900 आदिवासियों की लिस्ट बनाई गई, उसको शेड्यूल ट्राइब कहा गया। तो
इनके अंदर भी एक कॉमन ट्राइबल ट्रेड जो है वो कॉमन है, सभी के सभी जो है वो ट्राइब्स है, गन है, तो इसलिए ये कहा जा सकता है कि ये जो लोग है ये भी इस दृष्टि से होमोजेनियस है। मगर ओबीसी और नॉमिनेटेड ट्राइब, यानी ये सुनते वक्त ही आपको लगेगा कि ओबीसी एक अलग टर्म है, नॉमिनेटेड ट्राइब एक अलग टर्म है, दोनों को ओबीसी माना गया, ये वास्तव में ये सही बात नहीं है। क्योंकि जब ओबीसी का और नॉमिनेटेड ट्राइब के लोगों का जब कंपटीशन होगा तो स्वाभाविक रूप से जो नॉमिनेटेड ट्राइब के लोग हैं वो लोग ओबीसी के साथ जब मिलकर कॉम्पीट करेंगे तो ओबीसी के लोग आगे निकलेंगे और नॉमिनेटेड ट्राइब के लोग पीछे रहेंगे। तो ये तो न्याय करने का मामला नहीं, तो अन्याय करने का मामला हो गया। यानी उनको आइडेंटिफाई किया मगर ओबीसी के लिस्ट में डालने की वजह से जब परीक्षाओं में कंपटीशन होता है तो कंपटीशन में नॉमिनेटेड ट्राइब के लोग पिछड़ जाएंगे, तो न्याय नहीं होगा। ये देखा जाना चाहिए था, मगर मंडल कमीशन को लागू करते वक्त विश्वनाथ प्रताप सिंह ने भी ध्यान नहीं दिया। और जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने भी ध्यान नहीं दिया। आजकल जज जो है कोर्ट के, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय देते हैं, न्याय नहीं करते। न्यायपालिकाएं निर्णय देने के लिए नहीं बनाई गई है, दुनिया में न्यायपालिकाएं न्याय देने के लिए बनाई गई, निर्णय देने के लिए नहीं बनाई गई। जब न्यायपालिकाएं निर्णय देती है तो जज को ये इंश्योर करना चाहिए कि न्याय होना चाहिए। मगर न्यायपालिका में, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए जो लोग हैं वो लोग इन लोगों के प्रतिनिधि नहीं है, इस समाज के प्रतिनिधि नहीं है, बल्कि हजारों सालों से जिन्होंने इनके ऊपर अन्याय अत्याचार किया वो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जज बन गए, तो स्वाभाविक रूप से वो लोग उनके साथ न्याय नहीं कर सकते। इसलिए ये कहा जा सकता है कि जो मंडल कमीशन है, इस मंडल कमीशन में जो ओबीसी की टर्म है वो होमोजीनियस नहीं है। इसमें चार प्रकार के सामाजिक समूह शामिल किए गए। सबसे निचले पायदान पर नॉमिनेटेड ट्राइब है, उसके ऊपर वाला जो पायदान है, सीढ़ी है, वो एमबीसी है। जैसे एमबीसी में अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात करें तो नॉर्थ इंडिया में जो नाई है, जो कुम्हार है, लोहार है, बिंद है, मल्ला है, केवट है, या छोटी छोटी और जातियां है, बहुत सारी जातियां हैं जिनकी ज्यादा संख्या नहीं है, और ज्यादा संख्या ना होने की वजह से राजनीति में भी उनकी पहुंच नहीं है, राजनीति में पहुंच भी नहीं है और पूछ भी नहीं, पहुंच भी नहीं है और कुछ भी नहीं है, क्योंकि राजनीतिक दल के लोग बड़ी संख्या वाली जातियों को ही पकड़ते हैं और उनके साथ ही लेन देन करते हैं टिकटों का, तो इस वजह से उनकी पहुंच बनती है, पूछ भी बनती है, इन लोगों की संख्या भी नहीं होती है, और संख्या लोकतंत्र में एडल्ट फ्रेंचाइज प्रौढ़ मताधिकार में मैटर करती है, इस वजह से इनकी पूछ भी नहीं बनती। इसलिए साथियों ये जो सामाजिक समूह है सबसे निचले पायदान पर मंडल कमीशन में ओबीसी में पहला ग्रुप है, सबसे निचले पायदान पर नॉमिनेटेड ट्राइब, उसके ऊपर वाला पायदान है वो एमबीसी है, उसके ऊपर वाला पायदान ओबीसी है,
और उसके ऊपर वाला पायदान जो मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, बुद्धिस्ट है, जैन है, लिंगायत है, इसमें एससी एसटी ओबीसी से जो लोग धर्म परिवर्तित है उन लोगों को रखा गया है। इसका मतलब है मंडल कमीशन में चार प्रकार के सामाजिक समूहों को, चार प्रकार के सामाजिक समूह है। एक नॉमिनी ट्राइब है जिसका मेल एमबीसी से नहीं होता और एमबीसी का मेल ओबीसी के साथ नहीं होता और ओबीसी का मेल मुस्लिम सिख ईसाई बुद्धिस्ट जैन लिंगायत के अंदर जो धर्म परिवर्तित एससी एसटी ओबीसी के लोग हैं उनके साथ नहीं होता। इसका मतलब यह है चार प्रकार के सामाजिक समूह है। जैसे शेड्यूल कास्ट अछूतों का सामाजिक समूह है, सारे के सारे अछूत है। ट्राइबल ट्रेट वाले सारे आदिवासी है, ये भी होमोजीनियस है, ये भी होमोजीनियस है। मगर मंडल कमीशन में जो लोगों को शामिल किया गया ओबीसी में, उनके चार सामाजिक समूह हैं और चारों सामाजिक समूहों का आप में समाज शास्त्र के दृष्टि से कोई मेल नहीं। इसलिए जहां तक न्याय करने की बात है, इस तरीके से उनके साथ किसी प्रकार का कोई न्याय नहीं हो रहा है। अभी हमारे पास जानकारी आई है कि 3743 जातियों में से 2600 जातियों को ही ये फैसिलिटी मिल रही है और उनमें जो निचले पायदान पर नॉमिनिक टाइप है और ऊपर एमबीसी है, इन लोगों की जो 2000 से ज्यादा जातियां है उन लोगों का इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में 0% रिप्रेजेंटेशन। ऐसा इंडियन एक्सप्रेस में जो रोहिणी कमीशन बनाया गया है उस कमीशन के द्वारा कुछ डाटा आया है और वो डाटा कहता है कि इनका इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में 0 रिप्रेजेंटेशन। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने बड़े पैमाने पर अन्याय हो रहा है और इनकी कोई भी बात सारे देश भर में बामसेब के मंच पर चर्चा हो रही है, भारत भर में कहीं पर भी कोई चर्चा नहीं हो रही है, कोई चर्चा करने लायक भी नहीं मानता। तो इसलिए ये बात हम लोगों ने खास तौर पर चर्चा का विषय बनाया। ये हमारे लोग हैं, मूलनिवासी लोग हैं और इतिहास के संघर्ष में जो संघर्ष इनके ऊपर थोपा गया, इस वजह से इन लोगों को बहिष्कृत करके वंचित रखा हुआ है, इसलिए ये चर्चा का विषय बनाया गया। तो दूसरा मुद्दा यह है कि हम लोग ये कह रहे हैं कि इनकी स्वतंत्र सूची होनी चाहिए, स्वतंत्र लिस्ट होनी चाहिए और स्वतंत्र लिस्ट करने के लिए एक तरीका यह है कि कैटेगराइजेशन का तरीका अपनाया जाए। शेड्यूल कास्ट के लिए भी अगर न्याय करना है तो न्याय करने के लिए शेड्यूल कास्ट को 3 कैटेगरी में बांटना चाहिए। एक जो अपर लेयर शेड्यूल कास्ट है, दूसरा जो मध्यम लेवल शेड्यूल कास्ट है और तीसरा जो खास तौर पर सारे देश भर में 29 जातियां हैं जो सफाई का काम करती है और सारी की सारी शेड्यूल कास्ट की जातियां हैं। तो अगर इस तरह से संख्या को 3 हिस्सों में कैटेगराइजेशन किया जाता है तो फिर उनके साथ न्याय होगा। उसी तरह से आदिवासियों में एक आदिवासी ऐसा वर्ग है जिसमें आईएएस आईपीएस अधिकारी है, संविधान के बारे में जानकारी है, हायर एजुकेशन में भी उनका परसेंटेज है, मगर एक आदिवासी ऐसा है जो जंगलों में रहता है, जिन्होंने रेलवे का इंजन भी नहीं देखा, रेल भी नहीं देखी, उनके इलाके में रेल लाइन है ही नहीं, देखा भी नहीं। तो इसलिए जो प्रोग्रेस है, जो जिसको डेवलपमेंट कहा जा रहा है, जिसको बारे में नरेंद्र मोदी बहुत ज्यादा भाषण करते हैं, वो डेवलपमेंट ये शब्द ही वहां है नहीं। तो इसलिए उन लोगों को भी अगर अलग से कैटेगराइजेशन किया जाता है तो राज्य संस्था का ध्यान उनके तरफ जा सकता है,
उनके लिए बजट हो सकता है, उनके लिए परसेंटेज हो सकता है, उसके लिए विशेष डिपार्टमेंट खोलना पड़ेगा, उस पर ध्यान देना पड़ेगा, एजुकेशन की अलग व्यवस्था करनी पड़ेगी, जैसी जरूरत है, जैसे जैसे जैसी बीमारी है वैसी दवा है, मेडिकल साइंस में जैसी बीमारी है वैसी दवा है, उसी तरह से जैसी समस्या है और जिस स्तर पर लोग जीवन जी रहे हैं उसी लेवल की दवा देनी होगी, तभी बीमारी खत्म होगी, नहीं तो और भी 100 साल आजादी को होने दो, कुछ भी होने वाला नहीं है, ये इसका उपाय है। इसलिए हम कह रहे हैं कि ये अलग सूची बनाने का एक मामला है, और दूसरा जो सूची बनाई हुई है उस सूची का कैटेगराइजेशन करो, शेड्यूल कास्ट का करो, शेड्यूल ट्राइब का करो, शेड्यूल कास्ट की नाम पर सूची वैसी की वैसी रखो, केवल एक बी सी कैटेगराइज करो, आदिवासियों का शेड्यूल ट्राइब का भी इसी तरह से ए और बी करो, शेड्यूल ट्राइब की लिस्ट एक ही रखो, ओबीसी की लिस्ट बरकरार रखो, उसमें ए बी सी डी, तो डी ग्रुप में नॉमेडिक ट्राइब, उसके बाद में सी ग्रुप में एमबीसी, और बी ग्रुप में ओबीसी, और जो ए ग्रुप है उसमें जो एससी एसटी ओबीसी से धर्म परिवर्तन करके मुस्लिम सिख ईसाई बुद्धिस्ट जैन लिंगायत, इन लोगों को क्योंकि अभी नागरिक है, ये भी सिटीजन है, उनका बराबरी का हक है सारे साधनों संसाधनों पर, तो उनको भी न्याय मिलना चाहिए। ये इस तरीके से मिल सकता है, अलग सूची बनाकर मिल सकता है, नहीं बनाते हो कैटेगराइजेशन करो, कैटेगराइजेशन करने के बजाय इन लोगों ने क्रीमी लेयर लगा दिया, तो क्रीमी लेयर न्याय करने का सिद्धांत नहीं है, क्रीमी लेयर तो डिलीट करने का सिद्धांत है, क्रीमी लेयर जो है वो डिलीट करने का सिद्धांत है, जस्टिस करने का सिद्धांत नहीं है। तो ये बात हम लोगों को समझना होगा, ये बात जानना होगा सही तरीके से कि ये लोग हम लोगों को डिलीट कर रहे, मगर डिलीट करने का सिद्धांत लागू कर दिया, पहले तो ओबीसी को दिया ही नहीं, और जब दिया तो डिलीट करके दिया, धोखाधड़ी करके दिया, और ये धोखाधड़ी के जो फैसले हैं उन्हीं लोगों ने, जुडिशरी के लोगों ने किए, जो राज्य संस्था का काम है ये राज्य संस्था के लोगों ने नहीं किया, ये जुडिशरी के लोगों ने किया, और जुडिशरी के लोगों को एग्जीक्यूटिव का काम करने का अधिकार संविधान ने नहीं दिया, ये एग्जीक्यूटिव करने का काम किया, जो उनके जो अधिकार दिए गए हैं ज्यूरिडिक्शन, उसको अंग्रेजी का शब्द है संविधान का ज्यूरिडिक्शन है, वो ज्यूरिडिक्शन में नहीं आता, न्यायपालिका के ज्यूरिडिक्शन में ये विषय नहीं आता है, फिर भी उन्होंने ये काम किया क्योंकि उन लोगों के हितों की बात है। तीसरा मुद्दा मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये सारी बातें अगर हमको करना है, जैसे मैंने आपको कहा कि ये होना चाहिए, और अगर मान लो घुमंतु जातियों में होना चाहिए, नॉमिनिक ट्राइब में होना चाहिए, अगर ऐसा होना चाहिए तो कौन करेगा? ब्राह्मण तो नहीं करेंगे, जिनका राज्य संस्था पर कब्जा है वो नहीं करेंगे, इसलिए अभी तो परिस्थिति ये है कि रूलिंग पार्टी उनकी, अपोजिशन पार्टी भी उनकी, थर्ड अपोजिशन भी उनकी, फोर्थ अपोजिशन भी उनकी, और फिफ्थ अपोजिशन भी उनकी, यानी हम दूर दूर तक कहीं पर भी नहीं है, यानी फैसले लेने का जो अधिकार है लोकतंत्र में, वो फैसले लेने के अधिकार में हम दूर दूर तक कहीं पर भी नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग आगे तरक्की कैसे करें? तो तरक्की करने के लिए घुमंतु जातियों का राष्ट्रीय स्तर का संगठन होना चाहिए, दूसरे लोग न्याय नहीं कर सकते, अगर अपने हिस्से का न्याय चाहते हो, अपने हिस्से का न्याय चाहिए आप लोगों को, तो आपका अपना राष्ट्रीय स्तर का संगठन चाहिए, राष्ट्रीय स्तर का नेतृत्व चाहिए, राष्ट्रीय स्तर का संगठन चाहिए, राष्ट्रीय स्तर का नेतृत्व चाहिए, तो घुमंतु जातियों में राष्ट्रीय स्तर के संगठन का अभाव है, राष्ट्रीय स्तर के नेतृत्व का अभाव है, तो बामसेव की ये जिम्मेदारी हमने लगाई है कि वो घुमंतु जातियों का राष्ट्रीय स्तर का संगठन निर्माण करके घुमंतु जातियों को दे, जैसे हमने आदिवासियों का भारत के इतिहास में पहली बार
राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद का आदिवासियों का राष्ट्रीय संगठन 22 राज्यों में फैल गया है। तो इतना बड़ा संगठन इसके पहले कभी भी नहीं बना। एक उद्देश्य को लेकर, एक विचारधारा को लेकर, एक कार्यक्रम को लेकर, एक मकसद को लेकर, और अभी इसके विरोध में गुप्त रूप से षड्यंत्र शुरू हो गया है। मैं आदिवासी लोगों को थोड़ा आगाह करना चाहता हूं, सतर्क करना चाहता हूं कि आदिवासी लोग इस तरह से संगठित हो रहे हैं वो ना हो, इसके लिए आदिवासियों के ही कुछ लोगों को पकड़कर ये संगठन नहीं होना चाहिए, इसके लिए कोशिश हो रही है। आदिवासियों को सेग्रीगेट करने की कोशिश हो रही है ताकि आदिवासी अकेला लड़े तो आदिवासियों को क्रश करना आसान है। आदिवासियों को अकेला लड़ने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, उसको पैसा दिया जा रहा है, उसको पद दिया जा रहा है, उसको पब्लिसिटी दी जा रही है, और उनके कुछ प्रशासन में अधिकारी हैं तो उनको प्रमोशन का लालच दिया जा रहा है। ये जानकारी मेरे पास आ गई है, और शायद रेखवाल साहब भी राजस्थान में जाकर आए, उनको एविडेंस मिल गए हैं। तो इस एविडेंस मिलने के बाद इसको हम लोग अभी आने वाले समय में उसको देखेंगे, और आदिवासियों को चाहिए कि उसको वो अपने लेवल पर निपटने का कार्यक्रम बनाए, नहीं तो वो ही आप लोगों को निपट लेंगे। आप लोगों को उनको निपटना होगा या तो वो आपको निपटेंगे। तो मैं तो आपको पूरी ताकत के साथ, आपका राष्ट्रीय संगठन बने, आपका राष्ट्रीय नेतृत्व बने, निर्माण हो और आपके एजेंडे पर चर्चा हो और आपके एजेंडे के अनुसार प्रॉब्लम का हल हो, हम लोग ये चाहते हैं। और इसके लिए बामसेब एक हिस्टोरिकल रोल प्ले कर रहा है, वही रोल जो आदिवासियों के लिए प्ले कर रहा है, उसी तरह का रोल घुमंतू जातियों के लिए भी बामसेब रोल प्ले करेगा। और राष्ट्रीय स्तर का संगठन, जिस तरह से 22 राज्यों में हमने आदिवासियों का बनाने के लिए हेल्प किया, मदद किया, और फिर बाद में आदिवासी खुद इस बात को आगे बढ़ा रहे हैं, तो घुमंतू जातियों का भी राष्ट्रीय स्तर का संगठन आने वाले समय में सारे देश भर में हम लोग बना देंगे। 2-3 साल लग जाएंगे, ज्यादा नहीं लगेंगे, 2-3 साल में राष्ट्रीय स्तर का संगठन बन जाएगा। तो ये बनाने की प्रक्रिया, और फिर उसके साथ साथ राष्ट्रीय स्तर का नेतृत्व निर्माण करना भी, ये भी एक जिम्मेदारी है बामसेब की कि वो घुमंतू जातियों में राष्ट्रीय स्तर का नेतृत्व भी निर्माण करने के काम में पूरी तरह से आप लोगों को हेल्प करेंगे। और इससे राष्ट्रीय स्तर का संगठन निर्माण होगा और नेतृत्व भी निर्माण होगा, इस तरह से ये लगभग तीसरा विषय है। चौथा विषय है नेशनल कॉरिडोर के नाम पर आदिवासियों की जल जमीन और जंगलों पर कब्जा करने का मामला है। आप लोगों को याद होगा भूमि अधिग्रहण के नाम पर लोगों में बहुत असंतोष फैला हुआ है, इसलिए ये जो राज्य सत्ता के लोग हैं जिन पर कब्जा है, जिन लोगों का, वो लोगों ने अब इसका नाम नेशनल रखा है, नेशनल कॉरिडोर, यानी इसका जो विरोध करेगा वो एंटी नेशनल। तो क्योंकि ये नेशनल कॉरिडोर है, अब ये नेशनल कॉरिडोर में बुलेट ट्रेन चलेगी, 200-300 किलोमीटर के स्पीड से ट्रेन चलेगी, और 100-125-150 किलोमीटर के स्पीड से गाड़ियां चलेगी। हमारे लोगों के पास में साइकिल चलाने के लिए नहीं है तो हमारा तो मामला है ही नहीं है, हमारे पास साइकिल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि जो 83 करोड़ लोग हैं वो लोग भूखमरी और अर्ध भूखमरी के कगार पर पहुंचा दिए गए हैं, तो उनके पास तो अपने बच्चों को खिलाने के लिए अन्न नहीं है, तो साइकिल लेने के लिए पैसा कहां से होगा? तो जिनके पास साइकिल नहीं है नेशनल कॉरिडोर में, उनकी साइकिल भी नहीं है, वैसे भी नेशनल एक्सप्रेस हाईवे में मोटरसाइकिल चलाने के लिए अलाव नहीं है, साइकिल कहां से होगी? तो हमारे लोगों को बहुत सारी चीजों की जानकारी है नहीं है। तो इस तरह से नेशनल कॉरिडोर जो है एक प्रकार से धीरे 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 ये जो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का जो कार्यक्रम चल रहा है, ये जो भूमि अधिग्रहण का कार्यक्रम चल रहा है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन का कार्यक्रम चल रहा है, ये सारे के सारे कार्यक्रम हमारे लिए नहीं है,
हम लोगों को उजाड़ने के लिए है। और इसलिए मैं इस मुद्दे पर केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि नेशनल कॉरिडोर का नेशनल लेवल पर जमकर विरोध किया जाएगा। पूरे ताकत के साथ वामसेठ, भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा और ऑफशूट संगठन के द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर इसका बहुत ताकत से, बहुत शक्ति से विरोध किया जाएगा। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं कि इस देश में जो विरोधी पार्टी के लोग हैं वो भी विरोध नहीं कर रहे हैं, वो भी सरकार के मुद्दों से सहमत है। इसलिए विरोधी पार्टी की भूमिका का निर्वहन हमको ही करना है, हम ही विरोध में है। वास्तव में वामसेठ विरोधी पार्टी है पहले नंबर की। वामसेठ, भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा, यही वास्तविक विरोधी पार्टी है। हम ही वास्तव में इसके विरोध कर रहे हैं, दूसरे लोग तो विरोध ही नहीं कर रहे हैं और विरोध करना भी नहीं है उनको, उनका मकसद भी नहीं है। वो हमारी किसी समस्याओं का कोई समाधान भी नहीं करना चाहते हैं, स्वाभाविक रूप से विरोध नहीं करेंगे। तो नेशनल कॉरिडोर को हम इस तरह से इसको सड़कों पर निपटने के लिए काम करेंगे। उसके बाद में पांचवा विषय है भूमि अधिग्रहण बिल में सीएनटी और एसपीटी, ये खास तौर पर झारखंड का विषय है। ये छोटा नागपुर संताल परगना, छोटा नागपुर और संताल परगना का एक्ट अंग्रेजों के समय में बनाया गया था और ये एक्ट आदिवासियों के प्रोटेक्शन के लिए, उनके जमीनों को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया था। बीजेपी की सरकार आई और बीजेपी के लोगों ने विधानसभा में कानून पास किया कि अब आदिवासियों की जमीन कोई भी गैर आदिवासी ले सकता है। अब कौन आदिवासी शेड्यूल कास्ट के पास कहां है पैसा, कौन लेगा? मोस्ट बैकवर्ड क्लास के पास कहां पैसा है? जो झारखंड में सारे देश भर से बाहर से लोग लाकर बसाए जा रहे हैं, उन लोगों के लिए यह भूमि अधिग्रहण होगा और उद्योगपतियों के लिए भूमि अधिग्रहण होगा, तो आदिवासियों की जमीन जो है उनके कब्जे में चली जाएगी। उसके लिए ये सारा का सारा मामला किया गया है। इसके लिए मैं जब पहली बार वहां गया था, बड़ी रैली थी, तो वहां पर मैंने वो एक्ट की कॉपी को मंच पर के जलाया था। लोग केवल विरोध कर रहे थे झारखंड में। मैंने कहा वो कानून की कॉपी कहां है? बोले है, लाओ मेरे पास। मैंने कहा माचिस की डिब्बी कहां है? बोले ये भी। कहा क्या माचिस के डिब्बी का क्या काम है आपको? मैंने कहा अभी बताता हूं। तो कागज एक हाथ में पकड़ा, एक हाथ में माचिस की डब्बी जला करके, तिल्ली जला करके उसको जलाया। पुलिस वाले देख रहे थे कि कौन आदमी है भाई, ये कानून जो है विधानसभा ने पास किया हुआ कानून जला दिया। मैंने कहा अब मेरे को अरेस्ट करना है, करो यही खड़ा करो। वो लोग मुझे अरेस्ट नहीं करते, और क्योंकि उनको क्या लगता है कि गांधी जी भी जेल में जाते जाते महान हो गए थे, अमन मेश्राम भी महान हो जाएगा, तो वो मुझे अरेस्ट करते हैं तो जेल में नहीं लेके जाते। गुजरात सरकार ने अरेस्ट भी किया, मतलब मैंने खुद ही गिरफ्तारी दी और फिर वो जेल में लेके गए। तो एक असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर मेरे पास आके कहा आप तो हीरो हो गए। मैंने कहा गांधी जी जब जेल में जाते हीरो हो सकते, मैंने क्यों नहीं हो सकता? तो वो मैंने कहा फिर काय के लिए बनाया मुझे हीरो? हीरो बनाओगे तो आपके लिए संकट पैदा होगा। तो जब 10-11 स्टेट के वकील जब मेरी जमानत देने के लिए वहां आए, तो तब गुजरात के लोगों को मालूम है ये कौन आदमी है भाई, 10 स्टेट के वकील यहां आए। और उनको तब तक मालूम नहीं था वामन मेश्राम को रहे। फिर अभी हमने हाईकोर्ट में केस दायर किया गुजरात सरकार के विरोध में। गुजरात में बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की सरकार ने मुझे कार्यक्रम करने के लिए अनुमति नहीं दी, तो मैं गुजरात सरकार के विरोध में हाईकोर्ट गया। बीजेपी के लोगों को अनुमति ममता बनर्जी ने नहीं दी, तो वो लोग कोर्ट में गए। बड़ी अजीब किस्म के लोग हैं। मैं यहां गुजरात में आर्टिकल 19 के तहत कोर्ट में गया बीजेपी के विरोध में, और बीजेपी वाले आर्टिकल 19 के तहत ममता बनर्जी के विरोध में गए। साले कितने पाखंडी लोग हैं बीजेपी के लोग, कितने कितने ढोंगी और पाखंडी लोग हैं। यानी वो
बोलते हैं कि हम संविधान को नहीं मानते, मगर आरएसएस पर जब पाबंदी लगाई तो उसी संविधान के आर्टिकल 19 के तहत आर्गुमेंट किया उसके वकील ने कि ये आर्टिकल 19 के तहत हमारा मौलिक अधिकार है और आप हमारे ऊपर पाबंदी नहीं लगा सकते। तो ये जो बातें हैं, ये बातें हम लोगों को जानकारी के तौर पर जानना जरूरी है। जब जो चीज उनके विरोध में है तो उसका विरोध करते रहते हैं, और जब उनको उसी का फायदा लेना है तो जो लोग मुझे परमिशन नहीं दे रहे, गुजरात में बीजेपी के लोग, वही बीजेपी के लोग बंगाल में कोर्ट में जा रहे। अरे भाई, तुम जिसके लिए न्याय मांग रहे हो बंगाल में हाई कोर्ट में, उसके लिए मैं इधर न्याय मांग रहा हूं, तुम इधर मुझे देने के लिए तैयार नहीं हो तो उधर तुमको मांगने का क्या अधिकार है। मॉरल ग्राउंड के आधार पर बात कर रहा हूं, मगर ये बातें हम लोगों को समझने के लिए मैं ये बातें आप लोगों को बता रहा हूं। तो भूमि अधिग्रहण का जो मामला है, CNT और SPT एक्ट का जो है, उन्होंने क्या किया, विधानसभा में बिल पास किया, गवर्नर आदिवासी थी तो वो बिल जो है राष्ट्रपति के पास भेज दिया, राष्ट्रपति ने उसको मान्यता दे दिया, और अब झारखंड में आदिवासियों की जमीन कोई भी ले सकता है, कोई भी खरीद सकता है, कोई क्या खरीदेगा, उद्योगपति लोग ही खरीदेंगे। तो हमने कानून पास होने के बाद भी अब ये निर्णय किया कि झारखंड में आदिवासियों की जमीन, आदिवासी अपनी जमीन बेचने के लिए राजी ना हो, इसके लिए एक अलग आंदोलन हम लोग चलाएंगे। जब आदिवासी किसान अपनी जमीन बेचने के लिए तैयार नहीं है तो फिर उसको खरीदने का सवाल नहीं होगा, मगर पैसे का लालच दिया जाता है, और 1 लाख की जमीन, 1 एकड़ 1 लाख की तो बोलते 4 लाख देते हैं, 5 लाख देते हैं। अब वो पैसे का क्या करना हमें समझ में नहीं आता, वो तो टाटा को, बिरला को, अंबानी को समझ में आता पैसे का क्या करना है, हमारे लोगों को, SC ST OBC के लोगों को पैसे का क्या करना है थोड़ी समझ में आता। 1 रुपए का 10 रुपए कैसे बनाना है वो हमें तो समझ में नहीं आता, वो तो टाटा बिरला अंबानी को समझ में आता है। तो ये बातें हैं, क्योंकि हमारे लोगों को पैसे का महत्व क्या समझ में आता है, पैसा आते ही मोटरसाइकिल लेता है, मोटरसाइकिल के बाद 4 व्हीलर लेता है और डेली मटन खाना शुरू कर देता है। तो मतलब ये काल्पनिक बातें नहीं बोल रहा हूं, मेरे पास ऐसी जानकारी आई है, हमारे पाटिल साहब यहाँ है, वो हमारे लोग ऐसा करते हैं। इससे क्या होता है, वो कुछ दिन के बाद, साल 2-3 साल के बाद खाली हो जाता है, फिर वही मजदूरी करने के लिए उनको उसी जमीन पर, जो जमीन का मालिक था उसी जमीन पर मजदूरी करने के लिए चला जाता है। ये हालात उन्होंने पैदा किए, तो इसका विरोध करना होगा हर तरीके से, हम लोगों को रास्ता निकालकर विरोध करना होगा। अभी आखिरी मुद्दा है, वो है कि जो जिन लोगों का इस देश में सरकार है, बीजेपी की सरकार है, ये बीजेपी की सरकार के जो लोग हैं सारे देश भर में, उन लोगों ने धर्मांतर के विरोध में कानून बनाए, और अभी एक रिपोर्ट आया है, पब्लिश हुआ है, आप हैरान हो जाओगे सुनकर कि सुप्रीम कोर्ट कहता है आदिवासी हिंदू नहीं है। हम लोगों ने जो कॉमन कानून बनाने का मामला चल रहा था तो हमने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था कि भाई आदिवासियों का कस्टमरी लॉ अलग है, उसके विरोध में आप कॉमन कानून अगर सिविल संहिता बनाते हो तो आदिवासियों का कानून खत्म होगा, आदिवासियों का कानून खत्म होगा, कस्टमरी लॉ खत्म होगा, उसकी आइडेंटिटी खत्म होगी, उसकी आइडेंटिटी खत्म होगी, उसके आधार पर तो उसको अधिकार मिले हुए, वो खत्म हो जाएगा मामला। तो इसलिए ये जो नई बात सामने आई है वो बहुत भयंकर बात है, और ये खास तौर पर झारखंड की है कि झारखंड राज्य के गृह विभाग, होम मिनिस्ट्री के द्वारा और जनसंख्या निदेशालय से प्राप्त RTI से मिली जानकारी के अनुसार झारखंड राज्य में आदिवासियों के धर्मांतर के बारे में चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है। इस राज्य में आदिवासी मुख्यतः सरना धर्म का पालन करते हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार आदिवासियों के धर्मांतर की वृद्धि ईसाई धर्म से ज्यादा हिंदू धर्म अर्थात ब्राह्मणी धर्म में हुई है। यह बहुत गंभीर बात है, इसलिए इस पर गंभीर मंथन करने के लिए खास तौर पर यह विषय चर्चा करने के लिए लिखा है। बीजेपी के लोग, RSS के लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोग, सारे देश भर में धर्मांतर के विरोध में कि ये लोग क्रिश्चियन क्यों हो रहे,
क्रिश्चियन लोग इनको जबरदस्ती धर्मांतर कर रहे हैं। मैं आप लोगों के सामने बताना चाहता हूं कि ब्राह्मण धर्म में क्या विशेषता है कि आदिवासी उसके अंदर चले जाए, क्या विशेषता है? आदिवासियों को ब्राह्मण धर्मी लोग जंगली कहते हैं, तो जानवरों को भी जंगली कहा जाता है। तो ब्राह्मण धर्म में इनके लिए क्या विशेषता है जिसकी वजह से ये धर्मांतरित हो गए? मुझे तो एक भी विशेषता नजर नहीं आती। ब्राह्मण धर्म तो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन मानने वाला धर्म है, ये वर्ण और जाति को मानने वाला धर्म है, अस्पृश्यता को मानने वाला धर्म है, ये आदिवासियों का सेग्रीगेशन करने वाला धर्म है, ये शूद्रत्व ओबीसी पर थोपने वाला धर्म है, ये महिलाओं को दास बनाने वाला धर्म है, इसमें एक भी विशेषता नहीं है। तो आदिवासी तथाकथित जो हिंदू धर्म है जिसको वास्तव में ब्राह्मण धर्म कहा जाना चाहिए, वास्तविक यही नाम है, तो ब्राह्मण धर्म में धर्मांतरित होने की एक भी वजह नहीं है। इसके बावजूद भी ये रिपोर्ट झारखंड स्टेट के होम डिपार्टमेंट ने ये आंकड़े पब्लिश किए, ये आरटीआई में जानकारी उजागर हुई है, ऐसे कैसे हुआ होगा? तो मेरा ऐसा मानना है जब गिनती की जाती है तो शेड्यूल कास्ट को पूछा जाता है तुम्हारी जाति क्या है, तो जाति बताते ही वो लिखने वाला आदमी इसको शेड्यूल कास्ट लिख देता है, आदिवासी की बताते ही आदिवासी लिख देता है या शेड्यूल ट्राइब लिख देता है, ये दोनों लिखते हैं, ये पेन से लिखा जाता है, ओबीसी के जाति को भी पेन से लिखा जाता है, और पेन से लिखने के बाद में वो घर में आते हैं और आने के बाद में जो पेंसिल से लिखा हुआ है उसको रबर से निकाल देते हैं और रबर से निकालकर उसको इंक से भरते हैं। जो लोग पेंसिल से भरते हैं वही लोग सिग्नेचर पेन से लेते हैं, जानकारी पेंसिल से भरते हैं, सिग्नेचर पेन से लेते हैं और घर में जाने के बाद वो पेंसिल से लिखा हुआ रबर से निकालकर फिर पेन से भरते हैं। ये जानकारी हमें कैसे मिली है? तो सीक्रेट इंफॉर्मेशन है, क्योंकि भामसेब मुलाजिमों का संगठन है, तो बहुत सारे भामसेब के कार्यकर्ताओं को काम पर लगाया सरकार ने, तो ये सीक्रेट इंफॉर्मेशन हमको मिली। तो इस तरह से ये सारा डाटा उन्होंने अपने से वहां निकाला, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब धर्म का खाता है, धर्म के खाते में वो जो पूछने वाला आदमी है उसने खुद ही लिख दिया हिंदू, उसको पूछा भी नहीं तू हिंदू है नहीं है कौन सा है या कुछ भी धर्म नहीं है क्या है भाई तेरा, कुछ पूछा ही नहीं, अपने से लिख दिया हिंदू। होम डिपार्टमेंट जो शब्द प्रयोग यहां आया है ये होम डिपार्टमेंट के लोग ही कर रहे हैं, ये बातें हमारे लोगों को मालूम है नहीं, ये कॉन्स्पिरेसी किस तरह से चल रही है ये मालूम नहीं है। इसलिए अभी भारत के समस्त लोगों को, खासतौर पर एससी एसटी ओबीसी के लोगों को और जो अपर लेयर जो बैकवर्ड है, जो मंडल कमीशन में शामिल नहीं किया गया जैसे महाराष्ट्र में मराठा है या अलग अलग राज्यों में जो वर्णा सिस्टम में शूद्र माना गया है, वो सारे लोगों को अब सारे देश भर में हिंदू बनाने का कार्यक्रम शुरू हो गया। कैसे? कि बीजेपी इनको हिंदू मानती है, कांग्रेस के लोगों ने भी अब ये समर्थन कर दिया कि हिंदुत्व हमारा भी एजेंडा है, तुम हिंदुत्ववादी अकेले नहीं हो हम भी है, तो इसने एक वातावरण बनाना शुरू कर दिया कि सारे देश के लोगों के लिए एक माहौल बनाया जा रहा है कि सभी के सभी हिंदू, सभी के सभी हिंदू है। ये जो पांडुरंग शास्त्री आठवले था उसका कहना था कि मुसलमानों के विरोध में काहे के लिए संघर्ष कर रहे हो, संघर्ष मत करो, लिखो मोहम्मदी हिंदू। वो पांडुरंग शास्त्री जो आठवले था कोकण का ब्राह्मण था, उसने लिखा रहे झंझट मत करो, संघर्ष मत करो, केवल लिखो मोहम्मदी हिंदू, केवल मोहम्मदी है मगर हिंदू।
ये सारा खेल, ये जो शैतानी दिमाग है वो इन लोगों का है, इस तरीके से ये सारा का सारा कार्यक्रम चल रहा है। जब मेन अपोजिशन पार्टी हिंदुत्व की पैरोकार हो जाएगी तो सारे देश भर में हिंदू हिंदुत्व का माहौल बनेगा, तो जो हिंदू नहीं है वो भी अपने को इस प्रभाव क्षेत्र में हिंदू कहना शुरू करेगा। उसको ये समझ में ही नहीं आएगा कि हिंदू होने का मतलब है ब्राह्मणों का गुलाम, हिंदू होने का मतलब है ब्राह्मणों का गुलाम। ये कितने लोगों को समझ में आता है, ये समझ में नहीं आता है। साथियों, ये बातें बहुत भयंकर रूप से देश में चल रही है और हमारे पास आने वाले 10 साल में बड़े परिवर्तन करने के लिए जल्दी से जल्दी मासेस के लेवल पर जल्दी संगठित होने की जरूरत है, जल्दी इकट्ठा होने की जरूरत है। अगर हम जल्दी से जल्दी, मैं खास तौर पर यहाँ आए हुए जो लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, मैं उन लोगों को ये कहता हूँ कि जल्दी से जल्दी गांव के लोगों को तैयार करो, मासेस को तैयार करो, हर सैटरडे संडे गांव में जाओ, मोटरसाइकिल से गांव में जाओ और शाम के समय में, दिन के समय में जो भी समय मिलता है मासेस को तैयार करो। केवल पढ़े लिखे लोगों को इकट्ठा करने से हमारा मामला हल नहीं होगा, मासेस को, जनशक्ति को जगाना होगा, जनशक्ति को संगठित करना होगा और जनशक्ति के द्वारा जन आंदोलन का निर्माण करना होगा। ये काम जब हम करेंगे तो ही हमारी मौलिक समस्या का समाधान हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा आपको करना होगा। इसलिए खास तौर पर यह अपील कर रहा हूं कि पढ़े लिखे लोगों को शाम के समय में नजदीकी गांव में जाना चाहिए, सैटरडे संडे को देहात में जाना चाहिए और जल्दी से जल्दी लोगों को तैयार करना चाहिए। जैसे हमने लखनऊ में प्रयोग किया, 5-7 लाख लोगों को हमने वहां इकट्ठा किया, बहुत बड़ी रैली की, तब जाकर के चर्चा का विषय बनाया और हम लोगों ने जो प्रयोग किया उससे जो सीखा वो सारे देश के राजधानी में ऐसा करने लायक हम है। अगर आप लोग सही तरीके से काम करो तो जो लखनऊ में हमने किया हर प्रदेश में करने लायक है, बड़ी बड़ी रैलियां करने लायक है। और आने वाले समय में मैं ऐसा मानता हूं 2024 तक हम बहुत बड़े पैमाने पर ऐसा करने की स्थिति में पहुंच जाएंगे, 2024 तक पहुंच जाएंगे। मैं इसीलिए दोबारा कहता हूं कि 10 साल अगर आप जैसा हम कह रहे हैं अगर आप कर लो तो ब्राह्मणों का जो मामला है इसको हम निपट लेंगे। ये एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी के लोगों को आपस में लिपट लो और ब्राह्मणों को निपट, ये तरीका है। एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी को आपस में लिपट लो और ब्राह्मणवादियों को निपट लो, ये तरीका है, इस तरीकों को अमल में लाया जा सकता है। इतना ही मैं कहना चाहता हूं और आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद। धन्यवाद मिश्राम साहब। जय सिंह सेवानिवृत्त जूनियर इंजीनियर यदि यहां पर है तो वो तुरंत मंच पर आ जाए। जय सिंह सेवानिवृत्त जूनियर इंजीनियर विद्युत विभाग सहारनपुर उत्तर प्रदेश। महत्वपूर्ण सूचना, सभी बामसेप तथा सहयोगी संगठनों के राष्ट्रीय प्रभारी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, पदाधिकारी, राज्यों के प्रभारी, राज्यों के अध्यक्ष, इनको सूचना